हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मई चैनल शिवास किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी है पनीर पुलाव। इंस्टेंट पनीर पुलाव कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। दोस्तों, आप कई बार खाए होंगे पनीर पुलाव, लेकिन ऐसा एक बार बना के देखिए। आपके घर में चावल बचा है तो झटपट 5 मिनट में बना के आप दे सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें। चलिए, 200 ग्राम फ्रेश पनीर लेंगे। यहाँ पे ये छोटा छोटा क्यूब में काट देंगे। तवा बिठा के 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, अभी ऐसा गोल्डन ब्राउन होना आपको फ्राई करना है। उसके बाद कढ़ाई बिठाएंगे। दोस्तों, कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी लेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल 2 टेबलस्पून डालेंगे। अभी जीरा 1 टीस्पून ऐड करेंगे दोस्तों इसमें, और 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम में। और अब 1 कैप्सिकम को मीडियम साइज़ के क्यूब्स जैसे काटेंगे। बाद 2 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसमें, और इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए टॉस करेंगे मीडियम फ्लेम में ही। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे लंबा लंबा काटे हुए। और अभी गाजर, 2 गाजर हम लंबा लंबा पतले पतले से काटे हुए इसमें ऐड करेंगे दोस्तों। इसको 5 से 7 मिनट तक टॉस करेंगे मीडियम फ्लेम में। और अब 1 टीस्पून विनेगर इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अच्छे से पक जाए सब्जी। मीडियम फ्लेम में अच्छे से सब्जी पकने तक आप इसको फ्राई कीजिए। सब्जी पूरा पक जाने के बाद दोस्तों, अब हम राइस को इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से टॉस करेंगे मीडियम फ्लेम में। देखिए कितना मज़ेदार कलर दिखाई दे रहा है। और अभी नमक स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे, और बिरयानी मसाला दोस्तों 1 टेबलस्पून अभी इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करके दोस्तों इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए टॉस करेंगे मीडियम फ्लेम पर, अच्छे से मसाले और नमक मिल जाए। अभी जो 200 ग्राम पनीर को हम फ्राइड करके रखे थे, अभी उसको डाल के 3 से 4 मिनट तक हम इसको टॉस करेंगे मीडियम फ्लेम में। दोस्तों, रेडी है आपका पनीर पुलाव। दोस्तों, इसको आप रायता या कोई भी बिरयानी ग्रेवी से आप सर्व कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाजू वाला बेल आइकन दबाना मत भूलिए दोस्तों। और आप भी घर में बनाइए, और कैसा बना उसका एक फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर डालिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।